अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। अब्दुल आज स्कूल जाने की तैयारी कर रहा है। आज सुबह सुबह हमने कहा चलो व्लॉग भी स्टार्ट कर लेते हैं, और हमारी लाइट भी चली गई आज, बेवक्त चली गई। अब पता नहीं कब आएगी ये। जब जाती है ना इस टाइम तो फिर बहुत देर से। अम्मी अस्सलाम वालेकुम प्यारे यूट्यूब की फैमिली, कैसे हो सब लोग? मैं करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खुश आबाद होंगे और अपने बच्चों की तैयारियां करवा रहे होंगे। हाँ जी, नाश्ता मैंने अब्दुल्लाह को करवा दिया है। आप भी सलाम करो। इसको रोटी बना दी थी, जानो आप भी सलाम करो। अस्सलाम। ऊंची आवाज में बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम। आप पता चला है। चलो नाश्ता करने के बाद यूनिफॉर्म पहन लिया है, अब इसको बस शूज पहनाते हैं और इसको स्कूल रवाना करते हैं। हाँ, अम्मी छोड़ने जाएंगी जी। आज मैंने तेल लगाया इसको, बस टाई सही हो गई। टाई और ये क्या पैसे? हाँ जी जी के पैसे तो भी दे दो। खैर से जाओ, खैर से आओ। लाइट हमारी चली गई थी और अब लाइट हमारी आई है। मेरा मोबाइल भी ऑफ हो गया था, तो अम्मी ने ये कपड़े निकाले हुए हैं सर्दियों के, जो पिछले साल वाले थे ना, जो थोड़े बहुत सही हालत में हैं, उनको निकाले हैं, उनको थोड़ा ठीक करते हैं। कहीं से उनकी सिलाई ख़राब है तो उसको दोबारा सिलाई करते हैं, कोई खुला हो गया, कोई तंग हो गया तो उनको ज़रा सही करते हैं मशीन से। शुमाई लगी मशीन उठा लेते हैं। हाँ ये लेस जो है ना, ये घेड़ देती हूँ, ये चुभती भी थी, चलो इसको ना निकाल देते हैं। एक ये है और एक दूसरा उधर, ये सूट है, ये दो सूट है, ये मैंने फिर इसको सही करके पहन देंगे। सर्दियाँ आ रही है ना। हाँ जी मशीन उधर से ले आते, फिर आप सिलाई से कर दो। मशीन अम्मी उठा के आ रही हैं शुमाइला के घर से। जैसे ही मैंने मशीन चलानी स्टार्ट किया ना, तो अब्दुल आज भी आकर बैठ गया और तो मुझसे कहने लगा कि मम्मा मैं भी थोड़ी सी चलाऊंगा। तो थोड़ी देर पे मैंने उसको चलाने दी, आहिस्ता आहिस्ता मैंने कहा चला लो। एक सूट जो अभी मैंने आपको दिखा रही थी, वो पर्पल कलर वाला ना, वो बहुत ज़्यादा खुला है। दूसरा ये कि उसमें वो क्या कहते हैं, वो जो लेस लगी हुई है वो भी चुभती है। तो अम्मी कह रही थी कि इसको ना निकाल दो और इसकी थोड़ी सी फिटिंग भी कर दो। जब ये पिछले साल भी जब ये सिलवाया था ना, तो ये एक काफ़ी बड़ा बड़ा सूट सिला था। इस सूट का जो कपड़ा था ना, वो बहुत बड़ा था, तो वो मतलब खुला खुला ही वो सीने वाली ने सी दिया। तो उसका जो ये दामन है वो भी बहुत खुला है, उसको भी देखते हैं और इसको हर जगह से ना इसकी जो भी कमी पेशी है वो ठीक करते हैं और फिर पहनेंगे इसको। जब भी इंसान सोचता है ना कि बस अब इस महीने कोई ख़र्चा नहीं है, फालतू एक्स्ट्रा कोई ख़र्चा नहीं है, तभी कोई ना कोई ख़र्चा आ ही जाता है। अब देखें सर्दियाँ आ गई, अब सर्दियों के कपड़े लेने पड़ेंगे, तो ये भी एक ख़र्चा है। मतलब मौसम चेंज होता है तो खर्चे भी बढ़ जाते हैं। अब ये कि सर्दियों के कपड़े लेने पड़ेंगे, बिस्तर बनाने पड़ते हैं कुछ लोगों को नए, लेकिन हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बिस्तर वगैरह तो सब है, लेकिन कपड़े लेने हैं सर्दियों के, वो अब लेंगे इंशाल्लाह। अब्दुल्लाह के पापा को भी मैं यही कह रही थी कि अब सर्दियाँ आ गई हैं तो सर्दियों के कपड़े दिला दें, ज़्यादा नहीं तो फ़िलहाल एक एक सूट दिलवा दें, फिर ये कि अगले महीने एक एक सूट ले लेंगे, इस तरह से करके तो सर्दियों के कुछ कपड़े बन जाएंगे। अब्दुल्लाह के तो खैर एक ही दफ़ा दो तीन सूट लेने पड़ेंगे, क्योंकि बच्चा है और ये कपड़े तो जल्दी गंदे कर देता है। पिछले साल का इसका एक सूट है जो मोटा था और वो थोड़ा बड़ा भी सिलवाया था, तो वो रखा हुआ है, वो पहन लेगा। रुमाल धोए हुए यहाँ पे हमने लटकाए हुए थे, वो मम्मी आपको दिखा रही थी। अच्छा ये वाला जो सूट है ना, ये मुझे दिया था बेबो जो है ना, और जिनका यूट्यूब चैनल भी है, तो उन्होंने मुझे दिया था। वो मुल्तान आई थी, वो जब सितारा से मिलने आई थी पिछले साल, सितारा से मिलने वो जा रही थी उसके गांव पंजाब, तो रास्ते में ही मुल्तान पड़ता है, तो उन्होंने फिर मुझे भी कांटेक्ट किया था और मुझे कहा था कि भाई मैं आपसे भी मिलती होती जाती हूँ, और रास्ते में जितने भी
यूट्यूबर्स आए थे ना, चाहे वो बड़ा यूट्यूबर था ये छोटा यूट्यूबर था, सबसे ही वो मिलते हुए गई थी। तो वही ये सूट जो है ना उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था। मतलब ये तो ऐसे हो गया कि अगर सितारा पंजाब ना होती तो बेबो आंटी उसको मिलने ना आती, तो फिर मुझे भी ना मिलती, तो ये सूट भी मुझे ना मिलता। तो मतलब ये सूट मुझे सितारा की वजह से मिला था। वाह भाई, सितारा यासीन चलो मेरे किसी काम आ गई। मजाक कर रही हूँ, बेबो आंटी ने दिया था तो उनका थैंक यू, दिल से थैंक यू अगर वो देख रही हैं तो। बाकी ये कि अच्छा सूट था, इतना कपड़ा बड़ा था ना, इसमें से जहरा का भी सूट निकला था। और पकौड़े वो लेकर आ, और 10 अपने चीज़, लाल और पीली दाल। और अम्मी ने वो सूट पहन लिया है जो अभी मैं सही कर रही थी ना जी, इसको अम्मी ने सारी इसकी फिटिंग विटिंग सही करवा के पहन ली, सारी उतरवा दी है। हाँ सही है, ऐसे सिंपल ठीक लग रहा है जी। चुभ चुभती थी वैसे भी, अब सर्दी लगती है मुझे। हाँ जी, अब पटाखा बजाती पटाखा। ये देखो अम्मी पटाखा बजा रही है, वो तेरी। जब हम बचपन में ना यही काम हमारा होता था, जो चीज आई उसको पटाखा बजा दिया। ये काफी नहीं डाल, काफी है। आ गए पकोड़े, अपनी चीज ली है। फारिग बैठे थे तो हमने कहा चलो कुछ खा ही लेते हैं, पकोड़े मंगवाए, लेकिन पकोड़े भी अच्छे नहीं थे, बिल्कुल अच्छे नहीं थे। एक तो ठंडे पकोड़े थे और जायका भी उनका कुछ खास नहीं था। छोटा बच्चा था ना, मतलब बड़ा कोई जाता ना तो वो ताज़ा ही फ्राई करवा के ले आते, लेकिन बच्चे को देख के उन्होंने ठंडे दे दिए। अभी रोटी भी बनाती हूँ, आज मैंने कर लुबना को कहा तू रेस्ट कर, मैं बनाती हूँ रोटी, तब अभी रख दिया इधर। आज भाई किसने खाना खाना है, आ जाओ। आज पकी हुई है दाल बोटी, यहाँ पे दाल भी बनी हुई है और ये कल वाला सालन भी रखा हुआ है और ये मजे मजे की रोटी। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, आओ जी बिस्मिल्लाह करो हमारे साथ, ये जिसने खानी आ जाए। अब्दुल आज कौन सा खाओगे आप सालन? मैं ये वाली दाल, दाल खाओगे जी। आज का खाना अम्मी ने बनाया था और कभी कभी अम्मी के हाथ की रोटी खाने को मिलती है तो बहुत मज़ा आता है, बहुत खुशी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक सबकी माँओं की लंबी ज़िंदगी करें, आमीन सुम आमीन। और ये चावल हैं मीठे ज़रदा, ये नियाज के चावल हैं, साथ वालों के घर से आए थे और अम्मी और मैं थोड़ा थोड़ा चख रहे थे, बाकी हम लोगों ने रख दिए। अब्दुल्लाह खा लेगा, सो गया अब्दुल्लाह। और बस यहीं पर ब्लॉग भी मैं एंड करती हूँ आज, कल मिलेंगे आपसे नए ब्लॉग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।